अलग अलग ट्रेड में, सिलाई का प्रशिक्षण, यहाँ तक कि कंप्यूटर और अन्य क्षेत्र में भी ये हमारे कहते हैं माताएं बहनें अब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं और अपने क्षमता का सदुपयोग कर रही हैं। शिक्षा ऋण के माध्यम से नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र विमल प्रधान जैसे हजारों बच्चे अपने सपनों को पूरा कर डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। मैं एक अच्छा डॉक्टर बनकर केदार कश्यप जी का जो मिशन है युवाओं को आगे बढ़ाने का, उसे पूरा करके दिखाऊंगा। डीएन के कॉलोनी के इस छोटे से घर में मेहनत कर पेट पालने वाले साधन भद्र की बेटी का नर्सिंग की पढ़ाई में कॉलेज की महंगी फीस आड़े आई तो केदार भैया ने एक पिता की जिम्मेदारी निभाई। उच्च शिक्षा से वंचित बच्चों को उनकी क्षमता के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण के द्वारा रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास केंद्र मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आजीविका महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई की स्थापना ने युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोल दिए हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये हमारे विकास का बटन है। नारायणपुर में रहने वाले तिल सहाय को फेफड़ों में टीबी की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ी तो उनके विधायक, उनके नेता केदार कश्यप ने उनकी जरूरत को पूरा करने में सहायता दी। किसी को आज अपने जेवर बेचने की जरूरत नहीं, किसी को अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं, वो आजकल तो स्मार्ट कार्ड के माध्यम से, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से अपना इलाज करा सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में करीब 840 करोड़ रुपए की लागत से 180 किलोमीटर लंबाई की 53 सड़कों का निर्माण और लोक निर्माण विभाग से 174 करोड़ रुपए खर्च कर सड़कों का निर्माण करवाया। इलाके में बहने वाली नदियों पर लगभग 233 लाख रुपए की लागत से 15 बड़े पुलों और कई पुलियाओं का निर्माण करवाया। 4 करोड़ 7 लाख की लागत से 33 केवी के पावर स्टेशन की स्थापना और 224 नए ग्रामों में विद्युतीकरण से घरों में रोशनी हो गई। कोसाटेड़ा जैसे बड़े बांध से इलाके के 25 गांवों की 27,466 एकड़ जमीन पर फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया है। देवगांव परियोजना हमारे लक्ष्य में है, उसी तरीके से और भी ऐसे इरिगेशन के स्टाफ डैम और बड़े बांध बने ताकि हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिंचाई का सुविधा का लाभ मिल सके। करीब 2000 नए हैंडपंप, 30 नल जल योजना के अलावा 200 से ज्यादा सोलर पंप और शुद्धिकरण प्लांट से इलाके की पेयजल की समस्या का काफी हद तक समाधान हुआ है। वो अच्छा व्यवहार करते हैं, जो भी समस्या बताते हैं उसका निराकरण करते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ, सबके साथ केदारनाथ। इंडोर आउटडोर स्टेडियम में नीलेश कुमार करंगा की तरह हजारों आदिवासी ग्रामीण लड़के और लड़कियां राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपना जौहर दिखा रहे हैं। केदार कश्यप जी हमारे लिए, हम लड़कियों के लिए बहुत कुछ किए हैं, शिक्षा के लिए हो चाहे खेल के लिए हो, जिससे नारायणपुर क्षेत्र की लड़कियां देश भर में अपना नाम रोशन कर रही है। हमारा इस धरती के प्रति कर्ज है, उस कर्ज को निभाना और लोगों को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना, ये हम सब, मेरा भी दायित्व है, अब मेरा भी कर्तव्य है कि इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते होने के नाते मैं सरकार की सारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करूँ। दिन हो या रात, केदार कश्यप का बस एक ही मिशन है, भारतीय जनता पार्टी की नीति अनुरूप नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास, ताकि मिले सबका साथ, हो सबका विकास।